शिवानी का और अरमान जी का जो फाइट हुआ था उस दिन मॉर्निंग में, अगले दिन मॉर्निंग में सना मकबूल, पलोमी और यू नो शिवानी बैठी थी और अरमान सामने की तरफ बैठे थे आप लोगों के बीच में। तब शिवानी को उन्होंने ये कहा था कि ये इंसान पर भरोसा नहीं करना, और वहीं हम दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर देख रहे कि शिवानी ऑलरेडी एक ब्लॉग बना चुकी है अरमान जी के साथ, मतलब वो उनको पहचानती है 2 साल पहले। वो 2 साल पहले एक्चुअली क्या था कि हम लोगों की ग्रैंड मैरिज हो रही थी, मेरी और अरमान की, मेरा सपना था जो वो पूरा कर रहे थे। तो उस ग्रैंड मैरिज में शिवानी आल्सो इनवाइटेड, वो इनवाइटेड थी। उस टाइम तकरीबन उसके 1.5 मिलियन या 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। तो वो हमारी शादी में आई थी इंजॉय करने, तो वो 2-2.5 साल से हमें ऑलरेडी जानती थी जी। वेल, अभी ये जो उन्होंने कहा है कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत शातिर है, क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेकर आप? शिवानी के लिए आप बोल रहे हैं? जी, शिवानी क्योंकि गेम के अंदर आने के बाद जिस शिवानी को हम जानते थे वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूँगी, मैं ज़्यादा दिखूँगी, तो वो वही काम कर रही है। वो अपनी भाषा को लेके बार बार बोलती है कि मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा, वो लोगों के सामने ऐसा प्रटेंड करती है कि वो बच्ची है, वो छोटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी नहीं है गाइस, वो अपने घर को खुद चलाती है। और कोई भी छोटा बच्चा बिग बॉस शो में नहीं खेलने आता है, कोई समझदार ही बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट लेके आता है जो गेम को खेलता है, खेल सकता है और खेलने की कैपेसिटी रखता है और जीतने की भी रखता है, तो वो बच्ची नहीं है। दूसरा, उसकी हार्श बात करने का तरीका, वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करी है, जैसे कि उसने रणबीर जी से बदतमीज़ी की, अरमान जी से करी बदतमीज़ी, मेरे से और कृतिका, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हम सभी उससे बड़े हैं। अगर वो 22 साल की है तो आई वॉज 32 ईयर्स, मैं 32 साल की हूँ, तकरीबन 10 साल उससे बड़ी हूँ। तो उसने सबके साथ जो है बहुत रूड तरीके से बात करी और किसी को भी अच्छे से बात नहीं करती है वो। वेल, यू नो, कई लोगों का ये भी कहना है कि हमें दूसरी मनीषा रानी नहीं चाहिए, एक ही काफी थी। तो आपको लगता है वो मनीषा रानी बनने की कोशिश कर रही है और दिल जीतने की कोशिश कर रही है लोगों को? पर जो मनीषा रानी, ने जो खेला और उसने अपने आप को दिखाया है बिग बॉस में, वो एक पॉजिटिव वे से, उसकी सिर्फ लैंग्वेज सेम थी पर वो बिल्कुल भी अपनी शिवानी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका नेचर बहुत ही अच्छा है और शिवानी जो है लोगों को डोमिनेट कर रही है। वो जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोलती है, अपनी बात आगे रखने के लिए वो चिल्लाती है लोगों के सामने, बदतमीजी करती है, जैसे बहुत सारे लोगों, ऑलमोस्ट सभी लोगों से उसकी, सिर्फ चंद्रिका और सना मकबूल और विशाल, शायद विशाल से भी उसका झगड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी घर वालों से उसका झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है। तो मनीषा ऐसी नहीं थी, मनीषा बहुत अच्छा पोलाइटली सबके साथ थी और बहुत अच्छा रिलेशन बना के गई सबके साथ।